हनुमान धन्यवाद आपने ज्वाइन किया इस इंटरव्यू में। और ये बताइए क्या स्पेस में आपकी टीम, आप खुद भी, और ये एक तो टूर्नामेंट चेन्नई में पूरा हुआ, अब एशियन गेम्स आ रही है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा बैठे हैं इस टूर्नामेंट से? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, उम्मीदें बिल्कुल सर, क्योंकि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, जो हमारा टारगेट है, सारी टीम को एक टारगेट है, एक गोल है सभी टीम का कि हमने जो अचीव करना है। एंड चेन्नई में ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मैचेस गए हैं हमारे, क्योंकि प्रीवियसली हम जितने भी मैचेस खेल रहे हैं वो यूरोपियन टीम के साथ खेल रहे हैं एंड एशियन की टीम के साथ टोटली डिफरेंट रहता है कि क्या स्ट्रक्चर खेलते हैं, कैसे उनको एनालाइज करना है, ज़्यादा मैचेस नहीं मिलते इनके साथ। तो एशियन गेम से पहले ये टूर्नामेंट हमारे लिए आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहा है और हमने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा है, ओपोनेंट्स को एनालाइज किया कि क्या वो करते हैं, क्या उनके पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, क्या उनके एरियाज हैं जो जहाँ पे हम उनको हर्ट कर सकते हैं। तो ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और टीम अभी फुल कॉन्फिडेंट है, लाइक जितनी हमारी प्रैक्टिस चल रही है उन अकॉर्डिंग टू जितने हमने मैच खेले हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारी प्रैक्टिस चल रही है एंड कौन से एरिया जहाँ पे हमने उस चेन्नई में अच्छा नहीं कर पाए और कहाँ पे जो इम्प्रूव करना चाहते थे सभी एरिया पे वर्क हो रहा है सर। तो आपके अब नए कोच आए हैं क्रेग फुल्टन जी, कुछ दो चार पाँच महीने में जो भी हुए जी, बट न्यू उनके लिए भी एक नया जी नया असाइनमेंट है, तो एडजस्टमेंट में क्योंकि अब एशियन गेम्स आ रही है, 10-12 दिन में एशियन गेम शुरू होगी, इसके बाद है ओलंपिक्स, किस हद तक ये एडजस्टमेंट हो गया है, क्या कुछ इन प्रोसेस है, कैसे चल रहे हैं? नहीं, एडजस्टमेंट कोच के लिए भी होता है, ऑफ कोर्स टीम के लिए भी होता है, प्लेयर्स के लिए भी होता है, बट आजकल की हॉकी में देखा जाए तो मोस्टली टीम एक या दो स्ट्रक्चर से ही खेल रही है, चाहे आप जोनल खेल रहे हैं चाहे मैन टू मैन खेल रहे हैं, बेसिकली प्लेयर्स के लिए वही होता है कि आप ऑन द फील्ड कितनी जल्दी आप एडजस्ट कर पा रहे हो कोच के साथ, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। बट उसमें आई थिंक हमने एक और दो चीज़ें हमने ऐड की हैं स्ट्रक्चर में, तो वो हमने एक्सपीरियंस भी किया है उस चीज़ को लेके कोच के साथ प्रो लीग में एंड चेन्नई में भी हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को लेके और काफ़ी पॉजिटिव रहा है वो साइन, तो वो चीज़ अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंसड हैं, बेल्जियम टीम के साथ थे एंड जितने भी उनका जर्नी रहा है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो नई चीज़ें आती हैं हमें बता रहे हैं, तो प्लेयर के लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है और हम सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि जितना भी हमें समय मिल रहा है और जल्दी से अडॉप्ट करें वो चीज़ें, क्योंकि जो हमारी टीम को एक अच्छी बिल्ड करें और अच्छे परफॉर्मेंस करें हम। तो एक मेजर टैक्टिकल शिफ्ट जो वो चाह रहे हैं वो है कि डिफेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पहले एक था ऑल आउट टोटल हॉकी खेलने का और अब ये एक फंडामेंटल शिफ्ट होता है जी, तो ये किस हद तक सक्सेसफुल रहा है, ओरिएंटेशन कैसे चल रहा है? बिल्कुल, हम बात भी करते हैं डिफेंड टू विन के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप चाहे जितने मर्जी चांसेस, जितने भी आप चांसेस क्रिएट कर रहे हो आगे, चाहे मिस भी हो रहे हैं, बट एक सिली मिस्टेक पीछे भी होती है तो वो गोल होता है, तो वो उसके लिए आपको कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट चांस नहीं मिलता है कि चलो, क्योंकि हमारा भी यही फोकस है, पहले मेंटेलिटी थी कि डिफेंस लाइन होती है वही डिफेंड करेगी, बट अभी विदाउट बॉल आई थिंक स्टार्टिंग विद फॉरवर्ड के फॉरवर्ड लाइन से डिफेंड स्टार्ट रहेगा, देन मिडफील्डर, फ्रीमैन, डिफेंडर्स, गोलकीपर, तो वो एक मेंटेलिटी आई थिंक बहुत अच्छी है। हम रीटैकलिंग की बात करते हैं, क्विक सेटअप की बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सभी प्लेयर्स अभी एक्टिव हैं, उनके माइंड में है कि जब विदाउट बॉल है हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, विद बॉल सबको पता है कि कहाँ पोजीशन रहनी चाहिए, कहाँ पे पास करना है, बट विदाउट बॉल जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल हॉकी में सर। एज अ कैप्टन आपका क्या किरदार है, मीन यू नो कम्युनिकेशन विद द टीम, खासकर कि प्लेयर्स के साथ जो एक आप इंटरफेस, एक कोच है जी, फिर आप है, फिर प्लेयर्स हैं जी, तो ये इसी तरह फ्लो हो रहा है कम्युनिकेशन? बिल्कुल, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, टचवुड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर है कोई सीनियर है, ये बिल्कुल नहीं सर टीम में, क्योंकि ये सबसे अच्छी बात है हमारी टीम की कि आप फील फ्री आप किसी से भी बात कर सकते हो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड एंड कोई कंफर्टेबल नहीं है, जैसे जूनियर कभी कोई है मतलब ऐसा होता है कि कोई कंफर्टेबली आप कोच से नहीं बात डायरेक्टली कर सकते हैं, तो हमसे बात करते हैं देन हम कोच के साथ बात कर लेते हैं, एंड ऑन द फील्ड यही होता है कि मैं एज ए फ्री मैन खेलता हूँ एंड मेरा यही रोल है विदाउट बॉल स्पेशली कि सारी टीम को कॉल कम्युनिकेशन करना, अच्छा कम्युनिकेशन करना, जैसे गोलकीपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे को पास करते हैं देन मैं आगे अपना कम्युनिकेट अच्छा करता हूँ, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड ऑन द फील्ड यही है कि सबको बोला गया है कि अपना जो अपना बेस्ट है आप खेलिए, ऑफकोर्स
आप खेल रहे हो तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, बट उस चीज़ को आपने ओवरथिंक नहीं करना है. आपको पता है कि आपकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चीज़ हो उसको भूलो एंड देन मूव फॉरवर्ड, एंड आपकी नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करें. आपके ऊपर तो काफ़ी और जिम्मेदारी है बिकॉज अभी आप कैप्टन बन गए, पहले मंत्री था कैप्टन जी, तो ये एक शिफ्ट होता है प्लेयर्स में. किस तरह से फिर एकजुट हो जाती है प्लेयर्स, क्या आप अप्रोच क्या रहता है? सर फॉर मी एंड आई थिंक हमारी जो टीम है उसकी एक मेंटेलिटी है सर कि कोई कैप्टन नहीं है. अच्छा. एंड ऑफ कोर्स आप हम ऐसा सोच के चलते हैं कि जो भी फील्ड पे खेल रहा है एंड जितनी भी टीम है वो हर एक अपने आप में लीडर है. हाँ. तो वो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी टीम में है कि आप कोई भी अगर कभी कभी ऐसा है तो ऐसे मेरे पे सिचुएशन आती है कि अच्छा नहीं हो रहा है, बट सेम द टाइम लाइक कोई अदर प्लेयर मेरे को पुश कर रहा है कि नहीं नहीं नेक्स्ट थिंग, वो चीज़ देखने को मिलती है. जब वो चीज़ देखने को मिलती है तो कल मोटिवेशन आता है कि यार नहीं हाँ हम भी सब सेम पेज पे हैं. Correct. ऐसा नहीं कि एक पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है. वेरी इंपॉर्टेंट सर. यस हम पहले अभी कोच सर से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वो अपनी कोचिंग ट्रेनिंग सेशन तक ही रखना चाहते हैं, जो आप लोग फील्ड पे करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. यस. तो वही आप जो पहले कह रहे थे लीडरशिप वाली बात जी, वो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोच को भी पता है कि वो गाइड कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे प्लेयर्स को ही फील्ड पे परफॉर्म करना है. एंड ड्यूरिंग द मैच बहुत हार्ड रहता है कोच के लिए कि कम्युनिकेट करे, क्योंकि क्राउड रहता है, कम्युनिकेशन इतना रहता है कि आवाज़ नहीं जा पाती है. बट सेम चीज़ वही चीज़ें हम मीटिंग में बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें लेनी पड़ेंगी एंड इंडिविजुअली आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे तो कलेक्टिवली ऑफ कोर्स हम टीम एज ए अच्छा करेंगे. तो वो मेन मोटिव रहता है हमारा. ये भी आवाज़ की बात करते तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करनी पड़ेगी जी. आज अब क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आज क्रिकेट का मैच है इसके बीच में, तो आप पूल सेम पूल में है अभी एशियन गेम्स में जी. तो आप ये जो बाहर से हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है, ये एक्चुअली ड्रेसिंग रूम में आप कुछ अलग करते हैं या ये सिर्फ बाहर का? सर नो डाउट इम्पोर्टेंट मैच रहता है एंड सभी एक्साइटेड होते हैं उस मैच को लेके, बट द सेम दूसरी साइड देखेंगे तो ऊपर भी प्रेशर है. हाँ जी जी बिल्कुल ऑफ कोर्स सेम रहता है, बट प्रेशर ऐसा नहीं है क्योंकि अगर इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, तो डेफिनेटली क्राउड आने वाला है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है. बट द सेम वे हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी कि हम क्या यहाँ पे क्यों हैं, क्या करने हैं. अगर हम एक्साइटमेंट में अपना रोल भूल जाएंगे तो वो हम मैच खेल नहीं पाएंगे, तो वो चीज़ पहले रखते हैं. ऑफ कोर्स जी बिल्कुल, जिस वजह से हम हैं यहाँ पे, जिस वजह से सब देखने आ रहे हैं, तो मतलब इंडिया पहले है एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके चलते हैं. तो ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट रहती है, एक खुंदक रहती है, नो डाउट कि पाकिस्तान का बिल्कुल सर अग्रेसिव रहना पड़ेगा आपको. यस बिल्कुल बिल्कुल सर. पॉजिटिव है जैसे अभी हमने देखा है कि नीरज चोपड़ा और अर्शद नदीम जैवलिन थ्रो जी, इसमें जो थोड़ी बॉन्डिंग लग रही है बिल्कुल, थोड़ा फ्रेश लगता है बिल्कुल बिल्कुल. यस राइवलरी भी है और बॉन्डिंग भी जी सर. नहीं ऑन द फील्ड कोई भी ओपोनेंट है, आप ऑन द फील्ड किसी को भी ऐसा नहीं सोचते यार फ्रेंड है भाई है, नो नो नो. ऑफ द फील्ड डेफिनेटली आप एक डिफरेंट पार्ट अपना डिफरेंट फेस शो कर सकते हो यार बिल्कुल. ये बताइए कि 7-8 साल हो गए प्लेइंग फॉर द सीनियर टीम जी सर, ब्रॉन्ज मेडल एट द ओलंपिक्स 2020, फिलहाल नंबर 3 पे है जी सर वर्ल्ड में, तो आप ये देख रहे हैं ये महसूस कर रहे हैं कि गैप जो है यूरोपियन टीम से नैरो हो गया या ऑस्ट्रेलिया से वगैरह कंसिस्टेंटली जी, और क्या कुछ और करना चाहिए इंडियन टीम को? टू अचीवमेंट तो यही है कि टूर्नामेंट जीते, ओलंपिक टाइटल जीते, एशियन गेम्स टाइटल जीते, बट हॉकी में टॉप 7-8 टीम्स का क्लस्टर में 19-20 का भी फर्क नहीं है, उससे भी बारीक है जी. तो क्या कुछ करना चाहिए अब इंडियन टीम को आपके हिसाब से? आई थिंक क्या किस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए? तवज्जो सर यही है कि मेंटली आप स्ट्रांग रहें. पहले ऑफ कोर्स एक काइंड ऑफ मेंटेलिटी थी कि ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत बड़ी है एंड वन साइडेड आपको बीट कर रही है, बट जब जब आई थिंक हॉकी का ग्रोथ हुआ है एंड देखा जाए तो जितनी भी मेजर टॉप 4 टीम है 5 टीम है हम सबको बीट कर चुके हैं एंड अच्छे स्कोर से बीट कर चुके हैं, तो वो एक चीज़ जब कॉन्फिडेंस देती है कि यार हम सेम हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी हॉकी खेल रहे हैं, हम भी हॉकी खेल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगर आप बीट कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम किसी को बीट कर सकते हैं. मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है बट एक बिलीव रहता है कि हाँ हम कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो चुका है और हम इसको कंटिन्यू करें. पहले ऐसा लगता था कि कुछ कॉम्प्लेक्स है कि इक्वल सब चीज़ इक्वल होती थी, फिर कहीं ना कहीं जो है पीछे हो जाती थी टीम. अब ऐसे लग रहा है कि टीम लास्ट सेकंड तक कम्पीट करेगी और बिल्कुल जीतेगी भी. आई थिंक ये
जो जितने भी हॉकी के फैंस हैं, जितने भी लोग हॉकी को देखते हैं, तो उनमें आई थिंक एक मेंटेलिटी थी कि इंडिया लास्ट सेकंड में गोल खा रही है। वो चीज़ बहुत बात सुनने को मिली है जब से मैं आया हूँ, हमसे पहले की बात करें तो आई थिंक वो जो एक मेंटेलिटी हमने चेंज किया है कि हम लास्ट मिनट में स्कोर भी करते हैं, स्कोर करके जीत भी सकते हैं। जी बिल्कुल, ओलंपिक की बात करें, हम 3-1 से डाउन थे एंड सेम जब ड्रेसिंग रूम में आ रहे थे, जैसे मैंने बताया कि कोई सीनियर जूनियर नहीं है उस टाइम, सर टू बी ऑनेस्ट मैं घुसपा मारे जूनियर लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमें अब बिलीव है कि हम कर सकते हैं, जूनियर लड़के, बहुत बड़ी बात है। तो सीनियर को डेफिनेटली ऑफकोर्स टीम को एक बिल्ड करता है, तो सेम यहाँ पे भी सेम हुआ। हम आई थिंक फाइनल से पहले भी बात कर चुके थे कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम उनको हमने 5-0 से बीट किया है लीग मैचेस में, बट फाइनल मैच एक डिफरेंट मैच होता है, वो डिफरेंट मेंटेलिटी होती है, तो आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ आपको रेडी रहना पड़ेगा, चाहे आप 2-0 की लीड कर रहे हैं, चाहे आप पीछे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि टिल द लास्ट विसल आपको अपना बेस्ट करना है। रिजल्ट अपने आप देखा जाएगा, बट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको भूलनी नहीं है टिल द 60 मिनट्स। उसी टूर्नामेंट की बात करें तो एक चीज़ जो भर के आ रही थी वो फिटनेस थी, कि इंडिया के प्लेयर इतने फिट हैं कि कई दूसरे एशियन टीम्स के, मतलब उनमें स्किल होगा लेकिन शायद उतना टाइम नहीं खेल पा रहे, तो आपने क्या अलग करा अपने फिटनेस रेजिम में? सर मोस्टली जो हम जहाँ पे बैठे हैं, आई थिंक साल की बात करें तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा दिन हम यहीं पे स्पेंड करते हैं। 150-200 दिन निकलते हैं यहाँ पर? 200 प्लस सर। अच्छा जी सर, मे बी 250 प्लस बोल सकते हैं। यस, तो वो चीज़ हमें रिग्रेट नहीं रहता है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे हमारे लिए अच्छा है, टीम के लिए अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है, तो हम कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमें जिम्मेवारी दी गई है, वो आपको ऑफकोर्स आपको पहले रखनी पड़ेगी। एंड फिटनेस वाइज सर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क होता है हमारा, आप फैदर की बात करें, हमारा 1 बजे सेशन होता है, 2 बजे सेशन होता है, मतलब पूरी गर्मी में, एंड जिम होता है वीक में 3 सेशन जो आते हैं जिम के होते हैं हमारे, कंडीशनिंग के अलग सेशन होते हैं, एंड हॉकी के साथ डेफिनेटली रेड सेशन अलग रहता है, थोड़ा ग्रीन सेशन लाइट रहता है, तो मतलब उसको सारा देखकर जो हमारे ट्रेनर हैं, हमारे कोचेज हैं, स्टाफ हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेंटल कंडीशनिंग पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है फिलहाल? जी। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट, क्योंकि फिजिकली आप कर लें जितना भी, स्किल सेट्स पीछे तो है नहीं। जी, ऐसे लग रहा था मेंटल कंडीशनिंग में कहीं थोड़ा सा गैप था, तो वो कवर, पैडी ऑप्शन भी आए हैं फिलहाल, जुड़े हैं आपकी टीम से। बिल्कुल, आई थिंक एक अच्छी एग्जांपल वही है कि फाइनल की बात करूं तो मेंटली वही है, आप कितना स्ट्रांग रहते हो, एंड वही हमारे माइंड में भी था कि ऑफकोर्स जब अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई आपके प्रेशर नहीं है, बट सम हो ऐसा एक पॉइंट आता है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस को लेके, चाहे वो स्कोरिंग को लेके, जो आपको आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इंडिविजुअल रोल है, चाहे ओ पी सी को लेके, एंड वो सब चीज़ें जब आपकी अच्छी नहीं जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मेंटली आपने क्या कैसे आपको हैंडल करना है, तो वो सारी चीज़ें मीटिंग में भी होती हैं, मीटिंग में भी जैसे पैडी की आपने बात की, तो वही सारी चीज़ें बता रहे हैं कि जो एक प्रोग्रेस है, आप अच्छा करते आ रहे हो, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, बट आपको इसको कंटिन्यू कैसे करना है, उस चीज़ पर बात होती है, तो वही चीज़ें हम मैच में भी हम माइंड में रखते हैं कि आप टायर्ड हो, अपने मिस्टेक नहीं करती है, उस टाइम आप अपना सिंपल खेल सकते हैं, आपको रिस्क लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेंटली वही है, तो आप डाउन जा रहे हैं, आप स्कोर से पीछे हो, तो आपको काम रहना है, आप ऐसा नहीं कि हर बार स्कोर के लिए जा रहे हैं एंड ऐसा पता हो कि फिर आपके ऊपर स्कोर हो रहा है, तो आपने कैसे ऐसे ग्रुप रहना है, कंबाइन रहना है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक सबको याद रहता है, बट जब सिचुएशन आती है तब आप कितना याद रख रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें सभी प्लेयर सीख रहे हैं, वो चीज़ें वर्क भी हो रही हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी चल रहा है। पोस्टमार्टम आपके जो होते हैं वो आप उसमें मैचेस फिर से रिव्यू करते हैं, अगर पोस्ट मैच जी ये कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए, और दूसरी टीम्स जो आपस में भिड़ रही होगी, नॉट इंडिया जी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, उसका भी आप लोग मुआवजा लेते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट हो, चाहे वो कोई अलग टूर्नामेंट हो रहा हो, जैसे लास्ट में जो हॉलैंड ने क्वालिफाई किया, हमने सारे मैचेस देखे हैं उनके, तो ऑफ कोर्स हमारे अपने मैचेस की बात करें तो हर मैच एनालाइज करते हैं हम, एंड उसमें हमने क्या अच्छा किया है, क्या कहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, कौन कौन से एरिया है, तो नेक्स्ट मैच में लास्ट वाले मैच का भी रिव्यू होता है कि ये चीज़ हमने अच्छी की है, इसको हमने नेक्स्ट मैच में कंटिन्यू किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ें हेल्प करती हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज एंड विद बॉल विदाउट बॉल बात करते हैं,
पीसी की बात करते हैं, पीसी के जो गोल कीपर हैं उनके जो फर्स्ट रशर हैं उनको कैसे बीट करना है, क्या पैटर्न है ना उनका रनिंग का, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। गोल कीपर कहाँ के उसका प्लस पॉइंट है, कहाँ पे मोस्टली सेव कर रहा है, कहाँ पे मोस्टली वो गोल खा रहा है। और ये ओपन फोरम होता है, प्लेयर्स आपस में जो चाहें वो बात कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, कोच सब अपना सब कुछ डाटा लेके आते हैं एंड हम एनालाइज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स कोच भी प्लेयर्स के पूछता है कि लाइक सीरियस की बात करूँ, मोस्ट सीनियर है ना गोलकीपर है, तो उनसे भी पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है, तो वो एडवाइस करते हैं कि ये फ्लिकर ऐसा है, ये ऐसा कर सकता है, ये दूसरा फ्लिकर है, ये चीज़ करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी, जो पी सी डिफेंस की जो हमारी टीम है उसकी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो फर्स्ट रशर जा रहा है, एंड अगर वो वेरिएशंस कर रहे हैं वो कौन कौन से वेरिएशंस है, तो आपको कहाँ पे क्या ब्लॉक करना है, तो छोटी छोटी चीज़ें में मीटिंग। जूनियर मोस्ट प्लेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? जी बिल्कुल, कोच कैप्टन सीनियर, नो सर, एवरीबॉडी। अगर पीसी अटैक की बात कर रहे हैं तो पीसी अटैक में जितने भी इन्वॉल्व हैं वो सभी मीटिंग्स में रहेंगे, सेम पीसी डिफेंस में सभी इन्वॉल्व हैं, वो मीटिंग रहेंगे। ड्यूरिंग अ मेजर टूर्नामेंट जैसे अभी एशियन गेम्स आएगा या इससे पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल जो भी है, तो चिल आउट कैसे करते हैं इन द टूर्नामेंट? चिल आउट, अभी इंडिया पाकिस्तान की मैच आएगी एशियन गेम्स में, तो बड़ी गेम है जी, आप रैंकिंग्स पे मत जाए बट इट्स अ बिग मैच, फिर उसके बाद मलेशिया होगी या साउथ कोरिया होगी जो भी है, तो इन बिटवीन मैच का तो है कंपटीशन, प्रिपरेशन सब कुछ चल रहा है, लेकिन थोड़ा चिल आउट कैसे होता है? आई थिंक टीम एक्टिविटी देखते हैं कि टीम एक्टिविटी हो जाती है सर जी, उसमें कोई भी गेम लगा लें आप, यहीं चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं एंड क्रिकेट खेलते हैं आप? जी बिल्कुल, इधर हमारा पर हॉकी से भी चलता है और बैट से भी चलता है, दोनों से चलता है, हैंडल अच्छा कर लेते हैं लोग। टॉप ऑर्डर में है कि टेल टेल में? आई हैव सम वीडियो सर, मैंने सेंटर लाइन से पूरा लाइक सिक्स, अच्छा दो तीन कंटिन्यू, एक दो बिग हिटर की जरूरत है इंडियन को। नहीं सर, बट ये चिल आउट ये होता है बिल्कुल, टीम एक्टिविटी होती है, टीम के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है ऑन द फील्ड, लाइक फील्ड पे भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, टेनिस खेल लेते हैं एंड क्रिकेट की मैंने बात बता दी है, टीम आउटिंग हो जाती है हमारी, अच्छा होता है सर। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एज अ बॉय जी, एंड हॉकी ये आपकी स्पोर्ट बन गई जी, आपने दो तीन और भी स्पोर्ट्स खेले होंगे, लेकिन जब से आपने हॉकी शुरू किया तो कहीं ना कहीं आप शुरू से हो जाता है, इतने मेडल्स जीते थे, ओलंपिक्स हमने जीते थे, फिर जैसे आप खेलते गए जी तो ये प्रेशर आता है क्या यार, तो मेडल मिलता ही नहीं, क्या बात है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये एक प्रेशर बनता है? नहीं सर, ये जमाना बदल गया, दौर बदल गया, अब दैट डजंट मैटर। नहीं सर, प्रेशर नहीं रहता है बट आप ख्वाहिश रहती है? नहीं, ख्वाहिश डेफिनेटली, एक ड्रीम रहता है। जब स्टार्टिंग में थे तो एक ओलंपिक का ड्रीम था कि ओलंपिक में जाना है, मेडल तब छोटे थे, मेडल की बात ही नहीं आती थी कि हाँ नहीं ओलंपिक में जाना है। तो जब मैं फर्स्ट 2016 में ओलंपिक में गया था तो मैं सबसे यंग था एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है हमारी, हम काफ़ी क्लोजली मेडल से थोड़ा सा दूर थे एंड क्वार्टर फाइनल हम लूज़ कर गए थे बेल्जियम के साथ। तो मेंटेलिटी सर वहाँ पे भी मेडल की थी बट जब टोक्यो की बात करें तो वो एक डिफरेंट एरा था कि सभी प्लेयर्स की जब मीटिंग हुई सर, हमारे हम सभी साथ में बैठते हैं, सर्कल राउंड करके बैठते हैं एंड सब प्लेयर्स के पूछा जाता है ओपिनियन के यार कैसी जर्नी रही है आपकी, एंड वो जब दिल से बात आती है तो वो जो फील होती है, तो आई थिंक वहाँ पे जो हमारी बॉन्डिंग थी सर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही थी, वो वाइब भी अलग हो गई। बिल्कुल सर, वो हमारी ओलंपिक जाने से पहले एक मीटिंग थी, तो आई थिंक वो हम कभी भी नहीं भूलते हैं, जब भी बात करते हैं हम उसी की बात करते हैं। तो हर एक प्लेयर ने जो अपनी जर्नी बताई है, अपना सेक्रीफाइस बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया, तो वो चीज़ जब कनेक्ट होती है तो सर दिल से होती है, तो सभी ने यही बात की थी। तो ओलंपिक में भी आई थिंक हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था हमारा जी। तो हम काफ़ी बुरे स्कोर से आ रहे थे एंड स्कोर अच्छा नहीं रहा था, तो उस टाइम टीम बॉन्डिंग की बात करें तो सभी प्लेयर्स इकट्ठा हुए हैं, तो वहाँ पे हमारा एक माइंडसेट था कि ये मैच हमारी परफॉर्मेंस को मतलब वो शो नहीं करेगा कि यार हाँ ये टीम अच्छी नहीं है, ये नहीं डिफाइन करना, डिफाइन नहीं करना चाहिए हाँ कि हम हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी। तो वो मीटिंग बहुत हमारे हेल्पफुल रही है और उसके बाद जो टीम ने परफॉर्मेंस किया बैक टू बैक एंड देन सेमीफाइनल के बाद भी सेम मेंटेलिटी थी, तो ऑफ कोर्स ब्रॉन्ज मेडल तो कभी भी नहीं भूलेंगे, तो वो सेम मेंटेलिटी है कि अगर हम आए हैं तो इस स्टेज तक आए हैं, जितना हमने हार्ड वर्क किया है तो एक लास्ट चांस है, खाली हाथ जाएंगे तो कुछ कोई नहीं पूछेगा,
तो यही एक लास्ट चांस है आपका। तो जैसे मैंने सब पहले बताया कि एक बिलीव था तो कि हम कर सकते हैं, हमारे पे जितने हमारे चांसेस मिले हैं हमने अच्छे किए हैं, कन्वर्ट किए हैं, टिल द लास्ट विसल तक हमने फाइट की है, और लास्ट जो पेनल्टी गाना था वो तो कभी भी नहीं भूलते हम। तो जर्नी सर बहुत अच्छी रही है, प्रेशर नहीं रहता है बट एक ड्रीम रहता है कि सब कुछ अचीव करना है, जो जो लाइफ में आप अपना टारगेट लेके चल रहे हो, तो प्रेशर नहीं है बट एक माइंड में रहता है, ड्रीम है को अचीव करना है। बट उसके बाद जो वर्ल्ड कप जो घर पे हुआ निराशा हुई होगी काफी। बिल्कुल सेम थिंग, स्पेशली मेरी आप बात करें परफॉर्मेंस वाइज, आई थिंक पीसी में ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट ऑफकोर्स टीम में से मेरे को एक भी नेगेटिव चीज़ नहीं मेरे को दिखी, सबसे बड़ी बात, बट बाहर से तो बहुत कुछ आ रहा था। वो आई थिंक अच्छी चीज़ें भी आती हैं बुरी भी आती हैं, बट जो आपका जो आपकी फैमिली है उसमें आपको कितना पॉजिटिव रखा जा रहा है वो प्लेयर के लिए बहुत मैटर करता है। तो हम एक फैमिली हैं तो प्लेयर्स की तरफ से आई थिंक कुछ भी नहीं था, कोई नेगेटिव नहीं था, प्लेयर्स ने सपोर्ट किया डेफिनेटली सर। अगर हमारी सर यही मेंटेलिटी है, जीत रही है तो टीम जीत रही है, हार रही है तो टीम हार रही है, ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल ने जिता दिया कोई इंडिविजुअल ने हरवा दिया, तो ऐसा नहीं था। तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा था एंड उससे कमबैक करना मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद ये बताइए मुझे कि आप हॉकी को चाहते हैं कि और इंसेंटिवाइज हो, मैं कंपेयर क्रिकेट से नहीं करना चाहता हूँ बट फुटबॉल में है ISL हॉकी लीग जो था होता था वो अब फिलहाल नहीं है, बट यस जॉब्स है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है या कोई भी कॉर्पोरेट से वगैरह वगैरह, लेकिन हॉकी को अगर एक बिग पुश चाहिए इंडियन हॉकी को तो ये आपके ख्याल से इंसेंटिवाइज होना चाहिए? हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू होने की बात चल रही है तो उससे हेल्प मिलेगी? बिल्कुल सर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं आई थिंक अगर अपने आप को दिखा पाया हूँ तो बिकॉज ऑफ हॉकी इंडिया के जूनियर्स में थे डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी प्लेयर हैं ऐसे एकदम से रिकगनाइज नहीं होते हैं प्लेयर्स, तो जिन प्लेयरों को आप टीवी में देख रहे हैं, जिन बड़े बड़े प्लेयरों के नाम थे, जेमी ड्वायर थे, सब हमने कभी सोचा नहीं था उनके साथ और उनके अगेंस्ट खेलेंगे। तो हॉकी इंडिया लीग में जब आप अच्छी अच्छी टीमों के प्लेयर्स के साथ खेलते हो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो एज ए यंगस्टर, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जब हॉकी इंडिया स्टार्ट हो तो जितने भी न्यू जनरेशन है जितने भी प्लेयर्स हैं वो हॉकी इंडिया लीग में आए और अपना वहाँ से काफ़ी कुछ सीख के जाएँ, एंड वो आई थिंक इंडिया को ज़्यादा हेल्प करेगा सर, हॉकी को ज़्यादा हेल्प करेगा। कि एक तो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो एक रब ऑफ इफेक्ट होता है जी, कि वो उनके पास जो स्किल्स है जो बातचीत होती है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। बिल्कुल दूसरा ये एक लाइवलीहुड भी जो है वो बनता है। बिल्कुल तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल से और पुश की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत तो है सर, क्योंकि जैसे अभी उड़ीसा में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं तो क्राउड आ रहा है, सब लोग पूरी स्पोर्ट के लिए आ रहे हैं, चेन्नई में हुआ सेम क्राउड मिला हमें, पूरा फुल पैक था स्टेडियम। तो ये टूर्नामेंट्स होते हैं तो आई थिंक साल में 2 से 3 बार होते हैं। तो हॉकी इंडिया लीग ऐसे हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाएंगे एंड हॉकी पीपल कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली जो हॉकी का ग्रोथ है डेफिनेटली ऊपर जाएगा और लोग जुड़ेंगे हॉकी के साथ, तो एक अच्छा जरिया है सर हॉकी इंडिया लीग के होना चाहिए। आपने इतना खेला है और आप जानते भी हैं पूरे देश में आप घूमते हैं मैचेस खेलने के लिए, तो टैलेंट बेस अच्छा है हॉकी के लिए इंडिया में? बहुत सर, क्योंकि टैलेंटेड यंगस्टर होना लड़के हैं। बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल हैं, बट एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो आई थिंक होना चाहिए, तो वही एक ज़रिया है आई थिंक हॉकी इंडिया एक ज़रिया, हॉकी इंडिया लीग एक ज़रिया है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो मैचेस होते हैं उसको हम टेलीकास्ट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, तो वहाँ से अगर चाहे कोचिज हैं चाहे फेडरेशन के जितने भी स्टाफ हैं सारा कुछ हैं, तो वो हम वहाँ पे जाके उनको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर अच्छे हैं कहाँ, तो वो चीज़ें उनको आई थिंक उनको यहाँ पे चांस मिलना चाहिए, तो जूनियर टीम में आके उनके साथ मैचेस खेलना, चाहे जैसे नहीं अभी स्टार्ट हुआ है सर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा है कि जो उड़ीसा में स्टार्ट हो रहा है और आई थिंक वो कैंप चल भी रहा है अंडर 16 तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इनिशिएटिव लिया है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं सर, आई थिंक स्टार्ट भी हो चुका है और ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। जूनियर लेवल पे कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? क्योंकि मैं वीरेन रस्कीना के साथ मैं काफ़ी मिलता हूँ बॉम्बे में, शोज भी किए, तो उन्होंने कहा इंडियन हॉकी ज़्यादा फोकस कोचिंग एट द टॉप लेवल पे है,
यानी बल्कि ज़्यादा जूनियर लेवल पे होना चाहिए, जब जाके प्लेयर जब बड़े हो तो फिर वापस से पूरी सीख की ज़रूरत ना हो। जी बिल्कुल सहमत हैं आप उससे? नहीं सहमत हैं कि डेफिनेटली अगर आपका बेस अच्छा है तो आपको आगे जाके नहीं प्रॉब्लम आएगी, बट जूनियर टीम की बात करूं मैं तो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी। हम इनके साथ मैचेस खेलते हैं एंड पूरा टफ मैच मिलता है हमें। अब उनका मैं कहना था 8-10-12 साल शुरू करते हैं ना बोर्ड लेवल पे कोचिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी आदतें हैं वो उसी एज पे मिलती है और बुरी आदतें हैं वो भी उसी एज पे मिल जाती है। बिल्कुल, तो वो भी हॉकी इंडिया ने सर स्टार्ट किया है, जैसे हमारे मेरे सीनियर प्लेयर हैं रुपिंदर पाल, तो वो भी कैंप लगा रहे हैं, वो आई थिंक 2 वीक्स कैंप 3 वीक्स का कैंप उड़ीसा में भी थे, वो यहाँ पे भी आते हैं जूनियर के साथ, तो वो आई थिंक ज़रूरी है, वो स्टार्ट होना चाहिए और ज़्यादा प्लेयर्स आएँ जो एक्स प्लेयर हैं जो खेल चुके हैं, रघु भाई हैं रघुनाथ सिंह, तो जितने भी आप एक्सपीरियंस प्लेयर को उनके साथ अटैच करेंगे तो वो लड़कों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और हॉकी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, आप सीनियर लेवल की जो नॉलेज है आप उनके साथ जब शेयर करोगे तो वहीं से वो स्टार्ट कर देंगे, तो आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ ही टाइम हुआ है बट ये क्रेग फुल्टन के टाइम में और ग्रैहम रीड के टाइम में क्या डिफरेंसेस लग रहे हैं? दो सर कोई डिफरेंस नहीं, हर कोच का अपना एक स्टाइल है सर, आप किसी को किसी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं, एंड परफॉर्मेंस वाइज जब ओलंपिक में थे तो हमारे साथ ग्रैहम थे, तो है हाँ, तो ऐसा नहीं है कुछ भी सर, वो प्लेयर पे डिपेंड है कि आप कितना हार्ड पुश कर रहे हो। ट्रांजिशन जो था वो स्मूथ था। जी नो इशू। अपने यंगस्टर्स के लिए बताइए स्पोर्ट्स ने आपको क्या कुछ दिया, क्या आप क्या क्या हिदायत दे सकते हैं, क्या फिलॉसफी है आपकी? स्पोर्ट्स ने सब कुछ दिया सर, अगर अब मेहनत भी बहुत है बचपन से जो शुरू होती है तो अब तक लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, 250 दिन साई के कैंपस में सर, हॉकी वाले स्पेशली बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं हम जी, तो हमने बहुत कुछ ज़्यादा नहीं देखा होता है टू बी ऑनेस्ट, एंड जितना भी हमारी जर्नी रही है चाहे वो स्ट्रगल की बात करें, एंड जब आप छोटे हैं तभी से आप घर से बाहर हैं, अकेडमी में रह रहे हैं आप, आपको कोई आइडिया नहीं है, ऊपर आप कभी आप टीवीज़ में कभी आप देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, तो कोई आपका गोल नहीं है, बट आई थिंक हॉकी प्लेयर स्टार्ट करता है तो एक जॉब के लिए करता है, तो ऑफ कोर्स तो जब आपको नॉलेज आती है, जब आप बड़े हो रहे हो तो आपको पता है कि हाँ ये आपका आप टारगेट सेट करना शुरू कर देते हो, तो मेरे लिए भी सेम था सर कि स्टार्टिंग जर्नी मेरी बहुत टफ रही है, घर से दूर रहना, स्टार्टिंग मेरी प्राइवेट अकेडमी में थी एंड जब मैं गवर्नमेंट अकेडमी में ज्वाइन किया तब ऑफकोर्स वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स प्लेयर थे जो उस अकेडमी से टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ से एक पुश मिला कि यस आई थिंक मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, तो वहाँ पे जब सेम चीज़ है सर, हम जब छोटे थे तो जितने भी हमारे सीनियर प्लेयर थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो ग्राउंड पे आते थे, तो उनके साथ प्रैक्टिस करना, उनको देखना, वो भी एक चीज़ आपको बहुत पुश करती है जी, तो बिल्कुल उनसे बात करना मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ हैंडशेक करने का, हैंडशेक कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार हाँ हमें मिल रहे हैं आके, तो वो चीज़ आई थिंक हमारे लिए मेरे को बहुत हेल्प की है, एंड ग्राउंड मिलना बहुत बड़ी बात है कि आपको सुरजीत अकेडमी की मैं बात कर रहा हूँ सर जो पंजाब में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, हमारे जितना भी बैच है जूनियर्स बैच था हमारा, हम सभी एक अकेडमी से थे एंड वही बैच हमारा सीनियर टीम है अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा जोन है सर, तो बिल्कुल बहुत कुछ दिया है सर हॉकी ने, हॉकी ने पूरी दुनिया दिखाई है सर, पिछले जमाने के पैसे मिलते हैं खुशी होती है, तो अभी हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट एक एक्स प्लेयर हैं जी दिलीप गर्की, सो उससे कुछ फर्क पड़ता है आपके कम्युनिकेशन में, आपको लगता है कि इन्होंने खेला है तो ये ज़्यादा जानते हैं कि कैसे करना है? बिल्कुल जब भी उनसे हम मिलते हैं तो वो यही बात बताते हैं कि हॉकी की नॉलेज आपको है, वो कोई प्रेशर नहीं डालते हैं हम पे, कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती जी, क्योंकि वो खुद प्लेयर रह चुके हैं एंड वो कोई उनको पता है कि प्लेयर क्या क्या चीज़ें सफ़र करता है, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है वो, तो ऑफकोर्स जहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो बताते हैं हमें कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो यार ये चीज़ आप अच्छा अपना बेटर कर सकते हो, तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है बट ऑलवेज एक पॉजिटिव सपोर्ट जो बोल सकते हैं वो रहती है उनके साथ। तो शॉर्ट टर्म गोल्स क्या, अभी एशियन गेम्स है उसके बाद ओलंपिक्स है,
गोल्ड मेडल मिलता है तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, अदरवाइज फिर क्वालिफिकेशन में जाना पड़ेगा। सर वो तो नहीं जाना है तो हमारा वही टारगेट है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एंड टीम भी अच्छा जा रही है, फुल कॉन्फिडेंस है एंड टीम पे, तो यही टारगेट है मैच बाय मैच हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। एंड क्योंकि एशियन गेम्स में ऐसा है कि आप एक सडनली एक आप अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो एंड सडनली आप एक मतलब ठीक ठाक टीम के साथ खेल रहे हो, तो आप क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को, सडनली एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हो तो आपको जल्दी से जल्दी आई थिंक स्टार्टिंग मिनट से आपको चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो यही टारगेट है कि डायरेक्ट टिकट जो है पेरिस के लिए लें, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, तो पूरा फोकस है हम अच्छा हार्डवर्क चल रहा है सर हमारा, पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं एंड ऊपर वाले ने चाहे तो डेफिनेटली हम अच्छा करेंगे, गोल्ड मेडल जीतेंगे सर।